हमारा कोई एजेंडा नहीं था। एक लंबे समय से मेरे पति डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ नीतीश जी की कई रैलियां हुई थी, कई बहुत दिनों तक साथ चले थे, उसी कारण आज हम मिलने आए थे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जब वो दिल्ली दौरे पर आए थे तो वो तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात किए थे। कल जब वो दिल्ली दौरे पर आए तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। बता दें कि दिल्ली में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई और विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले यूपी की जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल से उनकी मुलाकात हुई है। बता दें कि कृष्णा पटेल खुद दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सरकारी आवास है 6A कामराज लेन, वहां पर पहुंची हुई थी। वहां पर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद न्यूज फाउंडेशन से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम है उसको आगे बढ़ाना और उसको सफलता दिलाना तमाम पार्टियों का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन वो फिलहाल बता रही हैं कि अभी उनकी चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं हुई, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। चूँकि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है और कृष्णा पटेल के जो पति हैं उनके साथ बहुत पुराना उनका संबंध है, ऐसे में वो लगातार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँची हुई थी। लेकिन बता दें कि लगातार नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं। एक एक करके तमाम विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। आज उनकी मुलाकात यूपी की जो अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल से हुई है। बता दें कि इससे पहले कल सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला समेत कई अन्य विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन फिलहाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लग गए हैं। इसको लेकर एक एक करके नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की माँ कृष्णा पटेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके क्या कुछ कह रही है, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। हमारा कोई एजेंडा नहीं था। एक लंबे समय से मेरे पति डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ नीतीश जी की कई रैलियां हुई थी, कई बहुत दिनों तक साथ चले थे, उसी कारण आज हम मिलने आए थे। एक साधारण मुलाकात थी, वो मिलके हम लोग जा रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या लगता है सफल हो पाएंगे इस मुहिम में? मैं उस मुहिम के लिए उन्हें बधाई देना चाहती हूँ और प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास अगर किया जाता है तो सफल भी हो सकता है। इसके लिए ये राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी हम साधारण चर्चा करने आए थे, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, एक साधारण मुलाकात थी, मिलके जा रहे हैं। बाकी आगे क्या हो सकता है उसके लिए बैठ के चर्चा करेंगे, तब आप लोग के बीच में बात होगी।